हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में सेंसिटिव नोटिफिकेशन है तो सेंसिटिव नोटिफिकेशन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन आएंगे, फ़ोन की सेटिंग्स को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। जो हमारे फ़ोन में सेंसिटिव नोटिफिकेशन है तो सेंसिटिव नोटिफिकेशंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपल फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है सेंसिटिव नोटिफिकेशन, तो इसको ओपन कर लेंगे सेंसिटिव नोटिफिकेशन को। यहाँ से इसको आप ऑन कर पाएंगे। ऑन करते ही जो भी शो नोटिफिकेशन कंटेंट वेन लॉकेड ऑप्शन है इसको आप ऑन कर सकते हैं, और ऑफ कर देंगे तो ऑफ भी कर सकते हैं इस तरीके से। जो ये सेंसिटिव नेट नोटिफिकेशन से हमारे फ़ोन में शो करेंगे, तो इस तरीके से आप शो सेंसिटिव नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी सेंसिटिव नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में सेंसिटिव नोटिफिकेशन है, सेंसिटिव नोटिफिकेशन को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपल फ़ोन सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन जहाँ से आप सेंसिटिव नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन करके जो भी नोटिफिकेशन से हमारे लॉकेट हो जाते हैं इसको आप ऑन करके यूज़ कर पाएंगे, ऑफ़ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप सेंसिटिव नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।